हमीरपुर जिला में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो गई है। दूसरे चरण में उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर सभी फ्रंटलाइन वर्कर का उत्साह वर्धन किया। उपायुक्त ने डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना के टीके को लेकर किसी भी तरह की आशंका या भ्रम ना पाले। सभी फ्रंटलाइन वर्कर स्वेच्छा से आगे आते हुए शत प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को तय समय सीमा में पूर्ण करने में अपना सहयोग दें। उपायुक्त के अलावा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जितेंद्र सांजदा एवं उपमंडलाधिकारी हमीरपुर डॉक्टर चिरंजी लाल ने भी कोरोना का टीका लगवाया। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि कोविड वैक्सीन के टीकाकरण अभियान के दौरान स्वयं को वैक्सीन का टीका लगवाया है। उन्होंने फ्रंटलाइन वर्करों से आह्वान किया है कि टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए आगे आए, क्योंकि तभी कोविड बीमारी से बचाव हो सकता है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जिसमें पुलिस, रेवेन्यू और बाकी के जो भी पीआरआईज हैं, जो अधिकारी हैं पंचायत लेवल के, जो कंटेनमेंट और इसके कोविड के कार्य में जुटे हैं, उन लोगों के लिए जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। तो इसमें पहले दिन मेरा भी, इसमें जो कोविन सॉफ्टवेयर से मैसेज प्राप्त होने के बाद जो है मेरा भी शिविर वैक्सीनेशन यहाँ डॉक्टर आरके जीएमसी मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में शेड्यूल था, और मैंने शेड्यूल टाइम और डेट के हिसाब से जो है आज खुद भी वैक्सीनेशन का पहला डोज जो है वो प्राप्त किया है। और मैं पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को, मेडिकल कॉलेज की टीम को, जितने वैक्सीनेटर्स और हमारे हेल्थ स्टाफ इस पूरे प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये व्यापक एक्टिविटी जो है वो दिन रात मेहनत करके जो है पूरी डेडिकेशन से और ईमानदारी से फुलफिल कर रहे हैं, उसके लिए हम सभी के ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। विधिवत जो है डोजेज के लगने के बाद जो है आधे घंटे की एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाई गई है, साथ में ही जहाँ वैक्सीन लग रही है वहाँ पे आधे घंटे के लिए जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है हर बेनिफिशियरी को। तो उसका टाइम मैं पूरा कर चुकी हूँ आधे घंटे का, तो अब तक मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ और ऐसी कोई कंप्लेंट्स या कोई और। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला में दूसरे चरण में 2641 फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें पुलिस व गृह रक्षक जवान, शहरी निकायों के वर्कर, पंचायती राज, ग्रामीण विकास तथा राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। प्रथम दिवस दोपहर तक पूरे जिला में 395 फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगाया जा चुका है। इनमें मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 72, स्वास्थ्य खंड भोरंज में 85, बड़सर में 86, टोनी देवी में 25, सुजानपुर में 9, नादौन में 48 तथा गलोड में 70 लोगों को दोपहर तक टीका लगाया जा चुका था। टीकाकरण के प्रथम चरण में जिला में 5425 हेल्थ केयर वर्कर को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 4245 को टीका लगाया जा चुका है।